की स्पेस एजेंसी यानी कि नासा वैसे तो अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेकर जानी जाती है, लेकिन आजकल वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पा रही है अपने मार्स मिशन को लेकर। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के यानी नासा के मार्स हेलीकॉप्टर इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर के बारे में, क्योंकि अलग अलग दिनों में अलग अलग समय पर इसने मार्स के सरफेस पे अलग अलग टाइम पे फ्लाइट किया है और वह फ्लाइट अपने आप में एक ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई हेलीकॉप्टर और वो भी कंट्रोल्ड हेलीकॉप्टर मार्स की सरफेस पे फ्लाई करता हुआ दिखाई दिया हो। तो यानी इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर का हर एक फ्लाइट अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग अभी तक इसके 8 फ्लाइट कंडक्ट हो चुके थे, यानी कि 8 बार है मार्स हेलीकॉप्टर मार्स के सरफेस पे फ्लाई कर चुका था। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा जो टॉपिक था इम्पॉर्टेंट, वो था उसकी 9वां फ्लाइट, यानी कि 9th फ्लाइट जो था वो सबसे ज़्यादा मतलब अहम होने वाला था, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बहुत थे। और एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा था कि नासा इस फ्लाइट के द्वारा यानी 9th फ्लाइट के द्वारा अपने ही बनाए पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देगा, यानी कि इससे पहले इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर का जितने भी रिकॉर्ड मार्स सरफेस पे थे फ्लाइट के, वो लगभग इस 9th फ्लाइट के बाद ख़त्म हो जाएंगे। एक नया रिकॉर्ड बनेगा जो खुद नासा का ही होगा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि मार्स हेलीकॉप्टर हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले हेलीकॉप्टर से काफ़ी अलग है, क्योंकि इसकी जो उड़ान है हमारे एक आम तौर पर जो हेलीकॉप्टर हम देखते हैं उससे बिल्कुल अलग दिखती है। अब आपको एक रिपोर्ट के अनुसार बताते हैं कि सबसे पहली बार जब मार्स हेलीकॉप्टर मार्स की सरफेस पर फ्लाई किया था उस समय का टाइम था 19 अप्रैल का, यानी कि उस समय जो पहली फ्लाइट हुई थी वह 3 मीटर ऊँचाई पर और उसकी जो स्पीड थी वह 30 मीटर प्रति सेकंड की थी। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी कि पहली जो फ्लाइट थी मार्स हेलीकॉप्टर की वो बहुत ही छोटी थी। अब आपको बता दें कि उसके बाद लगभग 1, 2, 3, 4 टेस्ट हुए और चौथी फ्लाइट में भी मार्स हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं बनाया था, यानी कि 10 मीटर की ऊँचाई और स्पीड थी, जो स्पीड जिस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा था वो थी 4 मीटर प्रति सेकेंड की, यानी कि चौथी फ्लाइट तक भी मार्स हेलीकॉप्टर की जो स्पीड और हाइट थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि चौथी फ्लाइट तक मार्स हेलीकॉप्टर मार्स की सरफेस पे लगभग 266 मीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका था, जो कि एक अच्छी बात थी। ऐसा बताया जा रहा है कि नासा अब प्लानिंग कर रहा है कि मार्स हेलीकॉप्टर के जो पैरामीटर्स हैं, एल्गोरिदम है, उसको थोड़ा चेंज किया जाए और कुछ ऐसा किया जाए जो अभी तक नहीं हुआ था, यानी कि स्पीड, इसकी जो हाइट है और स्पीड है, इन दोनों को बढ़ाने का प्लान है। अब नासा के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि अब ऐसा एल्गोरिदम उसको दिया गया है, यानी ऐसा प्लान किया गया है कि अब इस मार्स हेलीकॉप्टर को लगभग 625 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाएगा, 167 सेकंड तक एयर में ही फ्लाई करेगा। अगर साफ साफ कहें तो ये अब तक का मार्स हेलीकॉप्टर के द्वारा फ्लाई किया गया सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा, यानी चाहे वो हाइट में हो या डिस्टेंस में भी हो, और इसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी। देखना ये होगा कि आखिर नासा अगले अपने कुछ फ्लाई में इसको कितना बढ़ाता है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जब परसिवरेंस रोवर मार्स के सरफेस पे है ही, तो एक अलग मार्स हेलीकॉप्टर बनाने की क्या ज़रूरत थी, और क्या ज़रूरत थी कि मार्स पर हेलीकॉप्टर ही भेजा जाए, क्या रोवर के माध्यम से वहाँ पे जांच नहीं की जा सकती थी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मार्स मिशन जो है वो मार्स की सरफेस पर लाइफ की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको चेक करने के लिए भेजा गया है, लेकिन इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर के अंदर ऐसा कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया गया है जो कि उसके इन्वायरमेंट की जांच या उसके सोइल की जांच कर सके। सारे इक्विपमेंट जो है परसिवरेंस रोवर में लगाए गए हैं, लेकिन समस्या ये है कि परसिवरेंस रोवर जिस समय स्थान पर खड़ा है उस स्थान को कहते हैं सीटा रीजन, यानी कि वो एक तरह का सैंडी रिपल्स वाला रीजन होता है जहाँ पर ज़्यादातर बालुएँ होती ही हैं और बालुओं के ढेर लगी होती है। ऐसे जगहों पर रोवर को लैंड करा कर उसको मतलब जिसके अंदर व्हील्स लगे हों उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजना आसान नहीं होता है। इसीलिए नासा को लगता है कि ऐसे हेलीकॉप्टर्स जो कि फ्लाई कर सकते हों ये अलग अलग लोकेशंस पे जाकर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आसान प्रोसेस होगा। हालांकि मार्स परसिवरेंस रोवर और मार्स हेलीकॉप्टर इस समय एक दूसरे से अलग हैं, बट दोनों के काम भी अलग हैं और दोनों अपने काम बखूबी कर भी रहे हैं, लेकिन जो काम मार्स हेलीकॉप्टर कर सकता है वो शायद परसिवरेंस रोवर नहीं कर सकता। यही कारण है कि नासा अपने आने वाले अगले
और सारे प्रोजेक्ट में इस तरह के मॉडल्स को टेस्ट करेगा जो कि फ्लाई कर सकते हो ना कि चलते हो मार्स की सरफेस पे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या भारत को भी इस तरह के प्रोग्राम्स को लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि हम नासा से हर फील्ड में कंपटीशन लेते हैं और देते भी हैं। तो आपका जो भी राय हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।